महान संत कवि कबीर दास जी के दोहों का अर्थ बहुत ही गूढ़ होता है। अगर आप उनके दोहों का अर्थ जान लेंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन ही तर जाएगा। अर्थ जानने के साथ साथ आपको उसको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। यहाँ मैं कुछ दोहों को लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहला दोहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। किसी भी सज्जन पुरुष की को जानना हो तो उसकी जात मत पूछिए कि भाई तुम कौन सी जाति के हो, कहाँ रहते हो। उसके ज्ञान के बारे में आप जानिए, उसके ज्ञान को पहचानिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तलवार तो म्यान में रहती है, लेकिन जो मेन काम होता है वो तलवार का होता है, ना कि म्यान में पड़े रहने वाले म्यान का। इसलिए जाद न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। दूसरा दोहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। सूप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सूप से जब हम अनाज को चालते हैं तो उसमें जो अच्छा अच्छा रह जाता है वो सूप में रह जाता है, और जो गंदा गंदा गर्दा होता है वो बाहर चला जाता है। तो इसी तरीके से कबीर दास जी ने समझाया है कि संसार को ऐसे ही सज्जनों की ज़रूरत है जैसे कि सूप होता है, हमेशा अच्छी चीज़ों को रखता है और बुरी चीज़ों को बाहर कर देता है। हमें अपने अंदर अच्छाइयों को लेना चाहिए और बुराइयों को बाहर कर देना चाहिए। इस दोहे के थ्रू उन्होंने यही मैसेज पूरे संसार को दिया है। तीसरा दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे के थ्रू कबीर दास जी ने समझाया है कि धैर्य धारण करने से ही सब कुछ होता है, हमको धीरज रखना चाहिए। अब किसी भी पेड़ में अगर माली रोज सौ घड़े का पानी लेके भी अगर सींच दे, फिर भी उसमें उसके अनुसार फल नहीं आएगा, जब ऋतु आएगी तभी फल आएगा। इसी तरीके से हमें भी फल आने के लिए धीरज का धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये संसार को कबीर दास जी ने मैसेज देना चाहा है कि धीरज कर्म करो, कर्म करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य भी धारण करते रहो। आपको समय आने पर फल मिल जाएगा। आप जल्दी करोगे कि फल तुरंत मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगा। अगला दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका कहने का मतलब है, इस संसार में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत सारी पोथी पढ़ पढ़ के मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, फिर भी कोई विद्वान ना हो सका। कबीर दास जी यही मानते हैं कि जो प्रेम का अगर ढाई अक्षर ही अच्छी तरह से आप पढ़ लें तो प्यार के वास्तविक रूप को पहचान सकते हैं, अर्थात वही सच्चा ज्ञानी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगला दोहा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैट, मैं बपुरा बूढ़न दरा, रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वही कुछ ना कुछ पा सकते हैं, अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने गोताखोर के माध्यम से इस दोहे को समझाने को का कोशिश किया है कि जब गोताखोर गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेके बाहर आता है, पर कुछ लोग इस डूबने के डर से बाहर ही बैठे रहते हैं कि कहीं डूब ना जाएं, और उनके हाथ अंत में कुछ नहीं लगता। तो कोशिश करते रहना चाहिए।
तीसरा अगला दोहा, उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए बारे में बोला है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हर पाई ये मन ही की प्रतीत। जीवन में विजय पाना या हार जाना ये सिर्फ मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन से हार गया या निराश हो गया, समझिए पराजय तभी है, मगर उसने अगर अपने मन को जीत लिया तो वो समझिए आप विजेता है। इसी तरीके से ईश्वर को भी प्राप्त करना है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप अपने विश्वास और भरोसे से ही ईश्वर को पा सकते हैं। अगर भरोसा ही नहीं तो किसी चीज़ को आप कैसे पाएंगे? तो अपने मन को कभी हारने नहीं देना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमको ऐसी ही बातें कहनी चाहिए जो आपको मन को अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लगे और दूसरों को मन को भी अच्छा लगे। आप कुछ भी बोलते बतलाते हैं तो सबसे पहले वो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को तृप्ति होनी चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी ही बात करनी चाहिए जो आपके मन को अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे और आपका मन भी शांत हो। और सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने समझाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसको अपना सर झुकाएंगे, किसको प्रणाम करेंगे? तो कबीर दास जी ने बताया है कि भगवान की प्राप्ति हमें गुरु के माध्यम से ही हो सकती है, इसलिए सबसे पहले गुरु फिर उसके बाद भगवान। तो सबसे पहले हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो ये आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, कबीर के डिटेल्स का, अर्थ का? हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे दोहे जो हैं सिंपल सरल भाषा में पहले लाएंगे, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स दोहे भी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।